अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे हैंड के लिए क्रीम लेके आई हूँ, जिससे आपके हैंड जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। आपके हैंड जो हम किचन में जब हम काम करते तो हमारे बर्तन धोने की वजह से या घर के कामकाज करने की वजह से हमारे जो हाथ रूखे ब्रूखे हो जाते हैं, हमारे हाथों की रंगत नहीं रहती या हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और किचन में जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, वो कटिंग करते हैं, तो हमारी जो स्किन के ऊपर कट्स लग जाती है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। आपकी स्किन के ऊपर जो कट लगे उनको हील करेगी और जो आपकी स्किन ड्राइनेस है, जो आपकी स्किन के जो आपके हाथों का रंगत ख़राब होगी या आपके हाथों के और मसले जो कि काफ़ी ज़्यादा मसले हो जाते हैं, आपकी स्किन जो है ड्राई ड्राई हो जाती है, ये उन सब के लिए बहुत अच्छी क्रीम है। सबसे पहले हमें कोई भी फेयरनेस जो लोशन चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ वैसलीन का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो कोई भी, ये ज़रूरी नहीं कि कौन सा हम इस्तेमाल करें, बस वो फेयरनेस लोशन हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ ये देखें, मैं यहाँ जो है एक दो तीन, यहाँ मैंने तीन चम्मच अपने जो है एक महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हो, तो मैं उसी हिसाब से ना ये क्रीम बना रही हूँ। तो यहाँ आपको जो तीन चम्मच है वो लोशन के चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल के तो इतने फ़ायदे हैं ना, एलमंड ऑयल से आपकी जो स्किन ये जो झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, आपके जो स्किन ड्राइनेस है उसको ये काफ़ी हद तक बेहतर करेगा। और तो और आपकी स्किन के ऊपर और जो इसके अंदर जो है विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, इसके अंदर जिंक होता है, इसके अंदर पोटाशियम होता है, ये स्किन को मॉइस्चराइज करती है, स्किन की डलनेस को ख़त्म करती है, स्किन की डार्कनेस को काफ़ी हद तक बेहतर कर देती है। तो हम जो एलमंड ऑयल है, एलमंड ऑयल का हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे अंदर, ठीक है। इसको ये अच्छे से मिक्स कर लें। और जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई का कैप्सूल। यहाँ मैं इवोन का विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ, आप ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने एक जो है वो विटामिन ई का कैप्सूल जो इवोन कैप्सूल है वो ऐड कर लेना है। अच्छा, ये जो है इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। जो ये हमने कैप्सूल डाला है ना, ये आपकी स्किन जो हमारी स्किन के ऊपर इचिंग हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर फेयरनेस लेके आएगी, आपके जो कट्स लग जाते हैं उनको हील्स करेगी, ये आपकी स्किन को ना मतलब ठीक कर देगी। तो हम इसको अच्छे से ऐड कर लेंगे। ये क्रीम आप ज़्यादा भी बना सकते हो, अपने उसी हिसाब से आप अपने जो है क्वांटिटी बढ़ा के और आप इसे एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। स्टोर करने के बाद आप इसको अपनी कोई भी किसी भी जो है वो डब्बी के अंदर डाल के आप इसे आराम से रख सकते हो बंद करके अच्छे से। तो आप इसको जब आप काम कर लेते हो तब आप इसे अच्छे तरह अपने हाथों पे लगा लो, जब जितनी दफ़ा मर्जी लगाओ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। आप इसको दिन में जितनी दफ़ा मर्जी लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन इसको आप रात को लगाते हुए ना भूलना। रात को आप इसे लाजमी लगाइएगा, क्योंकि रात को फिर ये होता है कि जब हम ये लगा लेते हैं उसके बाद हमने कोई घर का काम नहीं करना होता, तो हमारी स्किन जो है ना वो अच्छे से, ये हमारी स्किन के ऊपर जो हमारी ड्राइनेस है, जो डलनेस है, वो उन सबको ख़त्म कर देती है और जो हमारी स्किन के और भी मसले हैं उन सबको हल कर देती है। तो ये अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। जी मैं इसको आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, ये देखें, थोड़ी सी लें इसे आप अच्छे से अपने हाथों पे लगा लें, ये देखें, साथ ही आपके स्किन जो है वो सॉफ्ट सी हो जाती है। मेरे हाथ अभी इतने सॉफ्ट से लग रहे हैं ना मुझे, तो ये तो मेरा यूँ कह लें सीक्रेट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये मेरे हाथ देखें सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। ये जो इवोन कैप्सूल डालेगी आपके जो हाथों के ऊपर कट्स लगे हुए हैं उनके अच्छी तरह जो है हील कर देगी और आपके ये हाथों को सॉफ्ट सॉफ्ट कर देगी, आपके हाथों के ऊपर अलग सा शाइन आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।